नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बृजभूषण शर्मा के मामले में हर एक दिन नया मोड़ आता जा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठने वाले देश के शीर्ष छह पहलवानों बजरंग पूनिया, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र किन्हा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को एशियाई खेलों के लिए उन्हें होने वाले ट्रायल्स में कोई छूट मिलेगी। इससे पहले तदर्थ समिति ने प्रदर्शनकारी छह पहलवानों को ट्रायल्स में सिर्फ एक मैच खेलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ। तदर्थ समिति इसके बाद अपने प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तदर्थ समिति का हिस्सा ज्ञान सिंह ने पीटीआई से बातचीत में यह खुलासा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए एक ही ट्रायल्स होंगे। एशियन गेम्स के लिए भारतीय कुश्ती टीम का चयन करने की समय सीमा खत्म होने में 10 दिन का ही समय शेष है। आपको बताते चलें कि आईओ की तदर्थ समिति ट्रायल्स तारीख तय करने में नाकाम रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ होती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ना तो अभी गिरफ्तार हुआ है और ना उन्हें जो है कोई खौफ और डर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हम और आप जान रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम पहलवान भी जो है उम्मीद में बैठी हुई हैं। अब मोदी सरकार पर बहुत सारा सवाल रहेगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं तो फिर आखिर कैसे हुई, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हुई। छः ने नाबालिग बच्ची ने जो है यौन शोषण का आरोप लगाया, एक तो नाबालिग भी थी, हालांकि उनका मामला वापस हो गया है। अब देखना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आगे क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज़।